जनपद में पुलिस की एक अनोखी पहल ने जिले में अलग अलग थानों में दर्ज पारिवारिक झगड़े, दहेज प्रथा समेत पति पत्नी के बीच मारपीट के मुकदमे में सभी को आमने सामने बैठाकर सुलह समझौता करवा दिया। खास बात यह रही कि जिन बातों से आपसी कलह पति पत्नियों के बीच होती थी, उनको फिर से दोहराने की कसम भी एसपी ने लिखा दी। साथ ही लिखा कर घर के लिए पुलिस लाइन से विदा किया। फिर क्या था, जिले के सभी थानों में तकरीबन 50 दंपत्ति जोड़े आज फिर एक साथ हो गए और अपना जीवन यापन नए सिरे से शुरू कर दिया। एसपी ने सभी दंपत्ति जोड़ों के लिए करवा चौथ पर इसकी विशेष पहल कर मित्र पुलिस के सपने को साकार किया, तो वही पुलिस का नायाब चेहरा भी जनता के सामने रख दिया। पुलिस की इस विशेष पहल को जनता भी खूब सराह रही है। वही उन परिवारों का खुशी का ठिकाना नहीं था जिनकी जिंदगी आपसी झगड़े में फंसकर जहन्नुम बन गई थी। पुलिस थानों के चक्कर लगाने पड़ते थे, समाज में लोग कई प्रकार की बातें भी सुनते थे। जिले की पुलिस लाइन सभागार में एसपी ने तकरीबन 20 जोड़ों को मीडिया के सामने पेश किया, लेकिन जिले के दूर दराज इलाके से कुछ दंपत्ति नहीं पहुंच सके। वही कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र की निवासी अमित कटियार व उनकी पत्नी के बीच पढ़ाई को लेकर विवाद हो गया, जिसमें पत्नी कीर्ति एम ए की पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन परिजनों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई। विवाद इस कदर बढ़ा कि होते होते परिजन पुलिस की दहलीज पर पहुंच गए, जिसके बाद एसपी ने जब पूरे मामले को समझा तो परिजनों को फटकार लगाते हुए आगे की पढ़ाई करवाने के लिए दोनों को समझौता करवा दिया। साथ में यह भी कहा कि यदि आपकी बहू पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी होकर आप लोगों का नाम ही रोशन करेगी, साथ ही साथ परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। समझौते से अमित और कीर्ति के साथ उनकी एक साल की बच्ची अपने घर के आंगन में खुशी के साथ लौट गई। वही ऐसे कई परिवार थे जिनमें पति शराब पीने का आदि होने के साथ घरेलू झगड़े प्रमुख थे, लेकिन इन सभी जोड़ी को परिवार के साथ बैठाकर महिला पुलिस के साथ बात की गई। पुलिस व कोर्ट के चक्कर लगाने की बजाय अपने परिवार के साथ खुशनुमा जिंदगी बिताने का मंत्र दिया। साथ में उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, जिसमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं होगा। अपने बुजुर्गों का सम्मान भी करना आवश्यक है। जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई यहाँ आगे, और इतने टाइम हम लोग बहुत खुश हैं, आराम से रह रहे हैं घर में। एसपी साहब का सबका धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि हमें एक साथ कर दिया, एक साथ मिला दिया। थैंक यू। हम दोनों के बीच में टकराव हो गई, जिसके कारण के लिए कि बहुत दिक्कतें थी, हम घर में बैठ गए थे। अब हमारा समझौता हो गया यहाँ पर साथ के चक्कर में, इसके हिसाब से कोई ये बाजी मैला मैना ये बहुत हमारा साथ दिया, अच्छी तरीके से दिया, हमारा घर उजड़ा हुआ बसवा दिया। इसी तरीके से जो भी कोई और भी हो तो भी यहाँ पर आ जाए तो उसको भी अच्छा मिलेगा इसके साथ, और इसके लिए हम शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहते हैं। ये हमारी छोटी सी बच्ची है बस, अब हमें कोई टेंशन नहीं, हम इस बात से खुश हैं। मतलब बनती नहीं थी, लड़ाई होती थी, जब से यहाँ से आए हैं मतलब कब अभी हुई नहीं, 15 दिन हो गए हैं तब से कोई लड़ाई नहीं है। इन मैडम ने किया था, अब आप खुश हैं? कोई परेशानी नहीं है, पहले भी परेशानी थी, दूसरे की हमारे यहीं आए और वहीं से आए। बिछड़ने के बाद एक होने का श्रेय देना चाहोगे तो किसको? हेलो, पढ़ाई को ही पढ़ाई को लेकर नहीं एक्चुअली बच्चा छोटा था नहीं, 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 नहीं। पढ़ाई नहीं तो फिर हमको भी घर पर रहना पड़ेगा बच्चे अभी बात ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। आज आप एक हुए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? और मैं थैंक्स कहना चाहती हूं मैम को और दुबे मैम को, जिनकी वजह से आज हम लोग साथ, मुझे लगता है अभी हम लोग साथ।